नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे बिहार के मौसम की, कैसा रहने वाला है आने वाले वक्त में बिहार का मौसम। अगले 72 घंटे बिहार के लिए भारी पड़ सकते हैं, जानिए कैसे। लंबे समय से बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है। चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों ने कई लोगों को असमय काल के गाल में भेज दिया है। इस बार की गर्मी बिहार के लिए आदमखोर जैसी साबित हुई। अलग अलग इलाकों में 300 से ज्यादा लोग गर्मी और गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रकोप के शिकार हुए हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब शायद बिन से बिहार वासियों को छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इसकी उम्मीद नजर आने लगी है। यूं तो अभी वर्तमान स्थिति में बिहार में गर्मी अपने चरम सीमा पर है, लेकिन रह कर कई इलाकों में बारिश की बूंदों ने थोड़ी ही सही पर राहत पहुंचाई है। अगले 72 घंटों में बिहार के मौसम में बड़े बदलाव की आशंका मौसम वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं। स्काइम वेट वेदर की बात करें तो अगले 24 घंटों के भीतर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और बिहार के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह बारिश अगले 72 घंटों के अंदर पूरे बिहार में फैल सकती है। ऐसे में आप ज़रूरी सामानों का इंतज़ाम कर लें, एहतियात बरतें तो बेहतर होगा। इससे आपको बारिश के वक्त असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम के लिहाज से बारिश के अलावा जो बिहार के लिए सबसे बड़े खतरे की बात बताई जा रही है, वो यह है कि जम्मू कश्मीर पर बने पश्चिमी विक्षोभ और इस प्रणाली से पाकिस्तान के मध्य भाग से चक्रवाती हवाओं के आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, जबकि इसी सिस्टम की वजह से पूर्वी बिहार में भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से पूर्वी बिहार के इलाके में तेज हवा, गरज और छींटे के साथ भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही बिहार के कोसी, मिथिला, शहबाद, मगध, सीमांचल आदि के इलाकों में भी अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को इस कड़ी गर्मी से निजात मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बारिश अपेक्षाकृत कम हुई तो लोगों को एक बार फिर से गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।